अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिनी सेल्स के ऊपर अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिनी सेल्स पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड्डा इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड्डा इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99391-23815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। चुनावी मैदान में है, क्या लगता है? लगता क्या है, विनोद जायसवाल चुनाव इस बार जीतेंगे, अच्छे ढंग से जीतेंगे। इनका जो प्लानिंग है, इनका जो सोच है, इनका जो सपना है कि सिवान में शांति खुशहाली रहे, अमन चैन कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे और सिवान में विकास हो, लोगों को रोजगार मिले और जनप्रतिनिधियों को त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों का जो मान सम्मान मिले, उनके अधिकारों की रक्षा हो, उसके लिए वो संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधि लोग जितने हैं, वोटर्स हैं, इनको वोट देने का मूड में हैं, मूड बना लिए हैं, इस बार उनको वोट दे करके वोट दिया। राजद के एक बागी नेता अजय भास्कर चौहान भी चुनावी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये चुनाव दूसरे ढंग का, आम चुनाव नहीं है और जनता समझती है कि कौन आदमी चुनाव मैदान में है और कौन जो है जीत सकता है, तो जीतने वालों के साथ लोग रहता है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री 5 दिनों से यहाँ कैंपेनिंग किए हुए हैं, कितना कुछ असर पड़ेगा इसका? और लाख लोग मेहनत किए थे, सब कैंपेनिंग कलकत्ता में गए थे, सब भुला गया, जितना केंद्र के मंत्री या सब सरकारें उठ के चली गई थी लेकिन एक नहीं चला, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि किसी मंत्री मंत्री से। यहाँ जो है नेता का नेता बनना है, यहाँ जनप्रतिनिधि अपने नेता हैं, उस नेता का नेता बनना है। सब लोग समझदार हैं, समझता है कि कौन किसको जिताना है, कैसे चरित्र के आदमी को जिताना है। ये सीधे स्वभाव के आदमी हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, सब कोई मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है, सबकी समस्या का समाधान ये कर सकते हैं जितना संभव हो सकेगा। अरे सारे लोग पूरा तो नहीं हो सकते हैं लेकिन जितना संभव होगा ये कर सकते हैं, सक्षम हैं। ये सरकारी स्तर पर भी कर सकते हैं, अपने निजी स्तर से भी भगवान इनको दिए हुए हैं, सक्षम हैं, ये लोगों की मदद करते हैं, ये लोगों को देंगे, लोगों से लेंगे नहीं। पिछले बार कहाँ चूक हुई? हाँ, पिछले बार चुनाव जो लड़ा गया था उसमें कुछ चूक हुई थी, जो हम लोग का एहसास है वो बताने वाली नहीं है, और बात है कि थोड़ी बहुत चूक रह गई जो अनजाने में, जो नहीं समझ में पाए हम लोग कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी बहुत चूक हो गई थी। उस चूक को इस बार सुधार हो गया है, अब उसको गलती नहीं होगी और इस बार जो जनता मूड में है जिताएंगे। लड़ाई किससे आपकी? किसी से लड़ाई नहीं है हमको, विनोद जायसवाल हैं और चुनाव जीतेंगे, किसी से लड़ाई नहीं है इनकी। ठीक है, बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।